दानिश भाई आप क्या करते हैं? मैं स्टडी। ये स्टडी, ये कौन सी स्टडी कर? अच्छा आप मुझे बताइए ना, आजकल जो पीटीए की तरफ से पबजी गेम को बैन किया जा रहा है, इसके बारे में र्यूमर है या सही है या गलत है, लेकिन वो तो एक बात ही बात है, लेकिन आप इस बारे में अपनी रिव्यू क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरी ये आया कि एक तरह के इन्होंने ना ई स्पोर्ट को मार दिया। इस बारे में बताएंगे, जो अभी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने जो मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो उनकी पुरानी जो पहले की बनी हुई है जिन पे इबादत का है, तो वो हम उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये है कि उनको उनका हक दिया जाए। जो ये पबजी बैन हुई है तो ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने कि पबजी की वजह से जो मेरे काइंडली दोस्त थे वो मुझे टाइम नहीं दे पाते। जी देखें, गेम है सिंपल, इसको बैन करने का वैसे कोई तुक नहीं बन रहा था इनका गवर्नमेंट का ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एहसान महमूद एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट एहसान महमूद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं रेस कोर्स पार्क में और यहां पर बहुत खूबसूरत मौसम है, तो क्यों ना आए हम लोगों से भी ऐसी ही खूबसूरत बातें और इंटरेस्टिंग बातें पूछें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आपका नाम? नाम गुलाम है। गुलाम भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं BSCS का स्टूडेंट। कहाँ से कर रहे हैं? मैं बच्चे में। अच्छा आप मुझे बताएंगे, रिसेंटली अभी जो पबजी गेम गवर्नमेंट ने टेम्परेरीली बैन किया है, इस बारे में आपको क्या राय है? मेरी ये आया कि एक तरह के इन्होंने ना ई स्पोर्ट को मार दिया अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता है ये कहते हैं बाहर से डॉलर लेके आओ, जब ये डॉलर लेके आने लगे तो इन्होंने बैन कर दिया कि बच्चे हमारे खराब। हालांकि पेरेंट को खुद कंट्रोल, बच्चों पे जो छोटे बच्चे खेलने वाले हैं, जब वो अपने बच्चों को खुद करते हैं। आपकी साथ दूसरी तरफ टिकटॉक भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे बेहयाई फैली हुई है। हमारी कितनी परसेंट जो यंग जनरेशन है लड़कियों की, उस पर आ रही है। अब हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वो बैन करें, लेकिन अलबत्ता जो गैर मवाद जो हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है वो उनको साइड पे कर दें, चीज़ चलती है चलती है। और इस बारे में बताएंगे, जो अभी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने जो मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो उनकी पुरानी जो पहले की बनी हुई है जिन पे इबादत का है, तो वो हम उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यह है कि उनको उनका हक दिया जाए जो चलते हैं। लेकिन जो न्यू बनाने का मतलब, उसका मतलब है कि रोला पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरी कंट्री में आप उनकी चीज़ें बना रहे हो स्पेशल, तो उससे इख्तलाफात करते हैं। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि न्यू चीज़ें बनाने से बेहतर है जो उनकी दी है उस पर अच्छी तरह उनकी सिक्योरिटी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान आपका नाम? दानिश। दानिश भाई आप क्या करते हैं? मैं स्टडी। ये स्टडी, ये कौन सी स्टडी करते हैं? बजे आज तो संडे, आपको भी पता है। अच्छा चले, खैर आप मुझे बताएंगे, जो पीटीए ने पबजी गेम को बैन किया, इस बारे में आपका क्या रिव्यू है? पबजी के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि बैन हो गई है, लेकिन हम लोग जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल हम घर में बोर होते थे, स्टडी भी क्लोज हो गई थी, तो हम पबजी के लिए लगे रहते थे, या फ्री फायर या पबजी। और मेरी तो मम्मा वैसे भी इसके इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हैं, पापा भी। एक दफ़ा तो मेरा मोबाइल भी पकड़ा गया, लेकिन फिर भी मैंने री इंस्टॉल कर ली। लेकिन आप वो कोई और गेम या अल्टरनेटिव क्या देना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि कोई गेम हो वही बेटर है, क्योंकि हम गेम को ही लाइक करेंगे, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है जो मूवीज़ देखेंगे ड्रामा देखेंगे उसके साथ उनका और माइंड चेंज होगा। अच्छा आप मुझे बताएंगे, अभी रिसेंटली जो टिकटॉक इंडिया ने बैन किया है, उसकी वजूहत की बिना पर क्या पाकिस्तान में भी ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखें टिकटॉक के लिए तो मैं ये कहूँगा कि टिकटॉक बैन होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद टिकटॉक का यूज़र था और मुझे एक ड्रीम आया जिसकी वजह से मैंने सारी टिकटॉक डिलीट कर दी। मेरे फॉलोअर्स भी अच्छे थे, मैं गली में जाता था, लोग कहते थे यार दानिश भाई हमारे साथ टिकटॉक बनाओ, लेकिन मैंने वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? अली। अली भाई आप क्या करते हैं? मैं तो स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर स्टडी ICS6। ICS कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? प्यास कॉलेज से। वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आजकल जो पीटीए की तरफ से पबजी गेम को बैन किया जा रहा है, इसके बारे में र्यूमर है या सही है या गलत है, लेकिन वो तो एक बात ही बात है, लेकिन आप इस बारे में अपनी रिव्यू क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। अब सारी आवाम घर है, कोरोना से परेशान है, और बच्चे एक ही चीज़ है उनके पास, ना वो बैठ जा सकते हैं ना कोई और बात, वो घर में बैठे गेम खेल रहे हैं, तो बड़ी बात तो इसमें कोई भी नहीं है वैसे। तो यानी कि आप कहते हैं कि गेम बैन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बैन? क्यों नहीं बैन होनी चाहिए? क्या इससे लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, वो छोटे बच्चे जो घर बैठते हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ के? भाई जो बड़े बच्चे हैं ना, जो तकरीबन आवाम है, उसके पास ना अक्सर के पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, तो अगर बंदा एक गेम में अपनी इंटरेस्ट कर रहा है और अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर रहा है खुशी के साथ, माइंड फ्रेश है उसका, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली प्रेस का काम करता हूँ। तो आप जो आजकल एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि पबजी गेम को पीटीए ने टेम्परेरीली बैन कर दिया, इस बारे में आपका क्या रिव्यूज़ है? जी मेरा पॉइंट ये है कि जो ये पबजी बैन हुई है तो ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने कि पबजी की वजह से जो मेरे काइंडली दोस्त थे वो मुझे टाइम नहीं दे पाते, तो जब वक्त देखो वो पबजी खेल रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि घर वाले बुला रहे हैं कि बेटा हमें कुछ चीज़ ला दो, वो कह रहे हैं नहीं मामा हम पबजी खेल रहे हैं। मैंने न्यूज़ में ये भी सुना है कि 2-3 खुदकुशी हुई हैं इस वजह से, पबजी की वजह से। कि तो इस वजह से जो मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा हुआ है ये बंद हुई है। तो दूसरा ये है कि मेरा कि जो टिकटॉक है इसको भी हुकूमत को चाहिए कि जो है ना बंद किया जाए, क्योंकि मुसलमान कंट्री है और लड़कियाँ ऐसे क्या के हरकतें करती हैं कि वो ना जेब है। मैं खुद भी टिकटॉक यूज़ नहीं करता ना, तो वो चीज़ देखनी चाहिए जिससे नॉलेज हासिल हो। ये फारिग चीज़ें हैं, टिकटॉक हो गई, पबजी हो गई, ऐसी कोई भी वेबसाइट है जो ऐसा करती है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत अच्छा। और दूसरा आप मुझे बताएं कि ये जो आपने बना दिया कि इसको बैन करना है, लेकिन जो लोग अभी घर में मौजूद हैं और उनके पास फुर्सत है, फारिग टाइम है, तो इसका ऑल्टरनेटिव वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया से आती है? मेरा मशवरा तो ये है, अगर बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेना, उस जैसा दुनिया में कहीं सुकून नहीं। अगर आपके दिल को सुकून चाहिए ना, सुबह उठें, वजू करें, नमाज पढ़ें, फारिग टाइम में तिलावत करें, कुछ ऐसा कर लें जिससे आप अल्लाह से कनेक्ट हों। ये चीज़ें अल्लाह से कनेक्ट नहीं दूर कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा भाई आप क्या करते हैं? मैं जॉब। क्या जॉब कर रहे हैं? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वेरी गुड। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो पबजी गेम बैन हुई है इस बारे में आपकी क्या राय है? जी देखें, गेम है एक सिंपल, इसको बैन करने का वैसे कोई तुक नहीं बन रहा था इनका गवर्नमेंट का ना। एक अगर ये देख के कि इन्होंने बैन किया कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये जो इससे अगले लेवल तक बहुत सुसाइड हो चुकी है। स्टूडेंट को देख लें, मैं भी स्टूडेंट रहा था, अब इतनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो से मतलब प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 सुसाइड हुए, उन्होंने गेम बैन कर दी। अगर इस तरह बैन करना है तो इस तरह मुल्क का कुछ भी हर चीज़ बैन होनी चाहिए। तो इस बारे में आप कोई इसका ऑल्टरनेटिवली कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? देखिए सोल्यूशन यही है कि माँ बाप को चाहिए कि उनके बच्चे अब देखें लाजवाब से चल रहे हैं। मेरे भी बेसिकली घर में भाई बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, पर माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा ना प्रेशर लाइज कम करें बच्चों को, उनको खेलने दें, पर ये बच्चों को भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम घर फैमिली के लिए दें, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपके कहने का मकसद ये है, मकसद कि इसको टाइम टेबल के हिसाब से चला जी जी बिल्कुल कोई टाइम मैनेज किया। हाँ जी, मतलब कि सारा टाइम भी, ये भी गलत बात है कि सारा दिन आप गेम ही खेलते रहो, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, मतलब फैमिली को भी टाइम दें और गेम भी खेलें, लेकिन ये बैन करने वाला समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भाई आपका नाम? अच्छा आप मुझे बताएंगे जो इस वक्त पबजी गेम जो हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर थी और पीटीए ने उसको बैन कर दिया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक किया बैन करके, अच्छा गेम। तो आपने कभी खेली ये गेम? तो फिर आपको कैसे पता है अच्छा ही हुआ? लोग कहते हैं गेम अच्छा नहीं हुआ, यानी कि ये घरों में नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका क्या नाम है? बिलाल। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। बिलाल। आप क्या करते हैं? मदरसे में हैं। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह ये तो बड़ी सआदतमंदी का काम है। और कितने सिपारे पे हैं आप? 13। माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताएं इस वक्त जो पीटीए ने पबजी गेम को बैन कर दिया, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बंद करनी चाहिए। क्यों बंद करनी चाहिए? लोग तो दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो 24 घंटे इसके अंदर घुसे रहते हैं, फिर बंद करने के लिए अच्छा नहीं। तो कभी आपने खुद खेली है ये गेम? नहीं। मोबाइल है आपके पास लेकिन आप नहीं खेलते, तो बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? नहीं खेलने के लिए, बंद करने के लिए। तो अगर ये गेम बच्चे नहीं खेलेंगे तो इसके अलावा क्या चीज़ खेलें? मसलन कौन सी गेम? क्रिकेट खेलना जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड और ये सेगमेंट पसंद आया होगा, जिसमें हमने लोगों की मुख्तलिफ राय ली, मुख्तलिफ सवाल किए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किए और लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आंसर भी दिए उसके बारे में। तो मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए।